माप समीकरण के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ दीदी, हमने पढ़ा है। आज हम लोग कुछ खास बातें पढ़ेंगे समीकरण के बारे में। देखिए, ये एक समीकरण है 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसमें बाया पक्ष क्या है? 2x। शाबाश। और दाहिना पक्ष क्या है? 2। दाहिना पक्ष x plus 3। शाबाश। तो देखिए, इसमें हमने यहाँ लिखा हुआ है बाया पक्ष 2x, दाया पक्ष x plus 3। और यहाँ हम x के मान देंगे, इनके अलग अलग मान देखेंगे और देखे देखेंगे कि क्या होता है इनके पक्षों में। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने x बराबर 0 माने, पहले हम क्या माने, x बराबर 0, तो बाया पक्ष का मान कितना होगा? शाबाश, 0। शाबाश। दाहिने पक्ष का मान क्या होगा? 3। शाबाश। अब देखिए, x बराबर अगर 1 दिया जाए तो क्या होगा? बाएं पक्ष का मान कितना हो जाएगा? 2। हाँ, क्यों? 2 into 1 क्या होता है? 2। शाबाश। दाहिने पक्ष का मान बताइए, जब x बराबर 1 आपने दिया है तो क्या हो जाएगा दाहिने पक्ष का मान? 4। शाबाश। x बराबर 2 जब देंगे तब क्या होगा? 4। शाबाश। दाहिना पक्ष? हाँ संकल्प, बताइए। 5। शाबाश। आप देखिए, जब x बराबर 3 रखेंगे तब क्या होगा? 6। हाँ, और दाहिना पक्ष कितना होगा? 6। और x बराबर अगर 4 रखें तो क्या होगा? बाएं पक्ष का मान कितना हो जाएगा? 8। शाबाश। और दाहिने पक्ष का मान क्या हो जाएगा? 7। शाबाश। श्रृंखला आपको समझ में आ रहा है? हाँ। अब आप ये बताइए कि x बराबर जब हमने 1 रखा था तो बाया पक्ष कितना है? x बराबर 1 रखने पे बाया पक्ष कितना है? 0। नहीं, इसमें देखिए, x बराबर 1 देखिए, बाया पक्ष कितना है? 2। और दाहिना पक्ष कितना है? 4 है। और जब x बराबर 4 रखा है तब बाया पक्ष कितना है? 8। और दाहिना पक्ष कितना है? 7। मतलब इस सब में, और ऐसा भी कहीं है, x के किस मान के लिए दोनों पक्षों का मान बराबर है? 3। शाबाश। जब x बराबर 3 रखेंगे तो दोनों का मान बराबर आता है। तो x बराबर 3 क्या हुआ? इस समीकरण का हल हो गया। x बराबर 3 पर दोनों पक्षों का मान बराबर है। तो जब किसी समीकरण के दोनों पक्षों का मान x के जिस मान के लिए बराबर हो जाता है वो क्या होता है? वो समीकरण का हल हो जाता है। तो x बराबर 3 कितना क्या हो गया? 6। इस समीकरण का हल हो गया। ठीक है। हाँ। इसमें देखिए, x के कोई भी मान के लिए बराबर नहीं है, एक निश्चित मान ऐसा है। जब x का मान आप 0 रखें तो अलग अलग है, 1 रख रहे हैं तो भी अलग है, 2 रख रहे हैं तो भी अलग है, 3 जब रख रहे हैं सिर्फ तभी दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है, और सब में तो नहीं आ रहा है। तो x का एक निश्चित मान है। तो ऐसा कथन, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा बीजी व्यंजक जब दोनों पक्षों का मान एक x के एक निश्चित मान के लिए सही हो, दोनों तरफ का कब बराबर हो रहे हैं? जब x इज इक्वल टू 3 आ रहा है तभी बराबर हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? समीकरण कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? समीकरण कहलाते हैं। जैसे अगर इसको हम लोग कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे समानता सूचक, ऐसे कथन जिसमें चर क्या है? x का कुछ एक निश्चित मान के लिए ही वो समीकरण सही होते। समीकरण सही का मतलब है दोनों पक्षों का मान बराबर होता है, और वही जो निश्चित मान होता है वही समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। ठीक है। हाँ दीदी, समझ में आ गया? हाँ, अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब एक और हम प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। एक हमारे पास बीजी कथन है, क्या है ये पढ़िए जरा आप, संकल्प आप पढ़िए। x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x। शाबाश। इसमें बायां पक्ष क्या है आप बताइए?
एक्स इंटू एक्स प्लस वन। शाबाश। और दाहिना पक्ष क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें भी हम यही करेंगे, x के अलग अलग मान इसमें स्थापित करेंगे, ठीक है? हाँ दीदी। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, x बराबर जीरो। जीरो, तो जब x बराबर जीरो लेंगे तो बाएं पक्ष का मान कितना आएगा? जीरो। जीरो, शाबाश। दाहिने पक्ष का मान कितना आएगा? जीरो। जीरो, ठीक। x बराबर जब हम वन लेंगे तब क्या आएगा, देखिए बाएं पक्ष का मान क्या आएगा? टू। वन इंटू, कैसे इसको करेंगे, वन इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू वन इंटू टू इज इक्वल टू टू आ गया। हाँ दीदी। इसी तरीके से हम दाहिने पक्ष को कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ दीदी। वन का वर्ग प्लस वन बराबर एक प्लस बराबर दो। इसमें दाहिने पक्ष का मान कितना आया? दो। दो आया। यहाँ पर जब जीरो रख रहे हैं तब यहाँ भी जीरो आ रहा है, यहाँ पर भी जीरो आ रहा है। वन रख रहे हैं तो बाएं पक्ष का मान दो आ रहा है, दाहिने पक्ष का मान भी दो आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम x बराबर दो रखें तब क्या हो जाएगा, देखिए टू टू प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स। इधर लिखिए टू स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। अभी भी सिक्स आया दोनों में। हाँ दीदी। अब थ्री अगर रखें तब क्या होगा, थ्री थ्री अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी तरीके से करिए थ्री इंटू थ्री प्लस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व। ट्वेल्व, यहाँ थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू नाइन प्लस थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व, ठीक है? हाँ दीदी। अब अगर फोर रख दें तो क्या होगा? ट्वेंटी। ट्वेंटी, शाबाश। इधर भी ट्वेंटी आएगा। हाँ हाँ ठीक। अब इसमें देखिए क्या है, x इसी तरीके से हम चार पांच छह सात कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं x की, ठीक है? लेकिन हर एक केस में क्या आ रहा है, जब x का मान जीरो है तो बाया पक्ष दाया पक्ष जीरो बराबर, फिर जब एक रख रहे हैं तब भी बाया पक्ष दाया पक्ष दोनों बराबर है। तो इसके मतलब क्या हुआ, दो रख रहे हैं तब भी दोनों में छह और इधर भी छह आ रहा है, तीन रख रहे हैं तो इधर बारह इधर बारह, मतलब दोनों पक्ष हमेशा बराबर है। एक्स का कोई भी मान रखा जाए तो दोनों पक्ष बराबर रहते हैं। है कुछ फर्क समीकरण से कि नहीं? हाँ, समीकरण में क्या होता है, समीकरण में एक ही बराबर, एक ही मान होता है जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि एक्स का कोई भी मान हम रखते जाएं तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है, दोनों पक्ष बराबर बराबर आ रहे हैं। तो ऐसे बीजी कथन जो एक्स के किसी भी मान के लिए सत्य होते हैं, चाहे वन रखें चाहे टू रखें चाहे फोर रखें चाहे जीरो रखें, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, सही हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो इस बीजी कथन को, इस तरह के बीजी कथन को हम सर्वसमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वसमिका कहते हैं। अब देखिए जैसे इसको अगर हम लोग लिख लें तो ऐसा समानता सूचक, समानता क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना। तो ऐसा कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए, चाहे आप वन रखिए चाहे टू रखिए चाहे थ्री रखिए, वो समीकरण हमेशा संतुष्ट होता है, सही होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वसमिका कहते हैं, ठीक है? हाँ दीदी। अब देखिए कुछ हमारे पास सवाल है, हैं? अब आप करके देखिए इसको और हमें बताइए। पहला है देखिए x प्लस वन बराबर फोर। अब इसमें ये चार प्रश्न ही, इसमें कुछ भी हो सकते हैं, समीकरण भी हो सकता है और सर्व समीकाएं भी हो सकती हैं इसमें, है ना, हो सकती है ना। अब देखिए पहले पहला प्रश्न हम ले लेते हैं, ठीक है, x प्लस वन बराबर फोर। अब ये बताइए कि ये समीकरण है या सर्व समीका है, करके देखिए और बताइए जल्दी से। इसमें क्या करेंगे हम, x का क्या मान लें, इसमें क्या हो जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू कितना आएगा, थ्री।
एक्स, शाबाश, एक्स में अगर वन में थ्री जोड़ दें, एक्स की जगह थ्री रखें, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, थ्री, ठीक है। लेकिन अगर एक्स की जगह हम वन रखें तो क्या ये समीकरण सही है, दोनों पक्ष बराबर आएंगे? नहीं दीदी, नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया, समीकरण है या सर्व समीका है? ये समीकरण, समीकरण है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मान के लिए सही है, और वो मान कितना है, x इज इक्वल टू थ्री, थ्री, ठीक है। हाँ दीदी, अब देखिए हम प्रश्न नंबर तीन ले लें, ठीक है। हाँ दीदी, पढ़िए ये प्रश्न क्या है। टू इंटू एक्स प्लस वन, शाबाश, बराबर टू एक्स प्लस टू, टू, ठीक है। अब इसको हल करिए और देखिए कि जब हम x इज इक्वल टू, मान लीजिए हम पहले वन रख दें इसमें, ठीक है, प्रश्न नंबर तीन के लिए है ये, x इज इक्वल टू वन रख दे, तो बायां पक्ष कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, शाबाश, टू इंटू वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, टू तो ये हो जाएगा, और टू इंटू टू ये है, तो कितना हो जाएगा, फोर, फोर। और दाहिना पक्ष कितना हो जाएगा, शाबाश जल्दी जल्दी बोलिए, टू इंटू वन, टू प्लस टू बराबर फोर, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अब अगर x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू टू ले लें, तो आपका क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू, है ना। तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, टू इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर टू इंटू थ्री, यहाँ लिख लीजिए बायां पक्ष, ठीक है, ठीक है। तो ये सिक्स हो गया, और ये हो जाएगा आपका टू इंटू टू प्लस टू, तो ये हो जाएगा फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, कुछ भी एक्स की वैल्यू रखिए, ये बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सर्व समीका, शाबाश। अब देखिए कुछ सर्व समीकाएं हम लोग सूत्र के रूप में याद करते हैं, और ये आप याद करके आइएगा और इसको हल करके घर में देखिएगा कि ये सही है कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इसको आप घर में हल करिएगा और देख के आइएगा जांच करके कि ये सरल समीकरण है या नहीं।